मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 6 अप्रैल को प्रस्तावित बाड़मेर दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आदर्श स्टेडियम में होने वाली जनसभा और लोकार्पण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार को आदर्श स्टेडियम में टेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 6 अप्रैल को प्रस्तावित बाड़मेर दौरे को लेकर मंगलवार को सुबह से ही प्रशासन तैयारियों में जुटा नजर आया। प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। आदर्श स्टेडियम में होने वाली जनसभा और लोकार्पण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन देर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना पॉजिटिव होने के समाचार से बाड़मेर दौरा खटाई में पड़ गया। दरअसल मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर पोस्ट की, वे पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। वे स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टरों की सलाह अनुसार अगले कुछ दिन वे निवास से ही कार्य जारी रखेंगे। इस ट्वीट के आते ही बाड़मेर के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के रद्द होने के कयास लगाए जाने लगे। समाचार प्रसारित किए जाने तक बाड़मेर दौरा रद्द होने की आधिकारिक घोषणा विधायक मेवाराम जैन ने की। मुख्यमंत्री के ट्वीट के अनुसार बाड़मेर दौरा रद्द हो गया। मुख्यमंत्री के गुरुवार को बाड़मेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंगलवार को आदर्श स्टेडियम में टेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक मेवाराम जैन समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की देखरेख में तैयारियां की गई, लेकिन देर शाम को मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के समाचारों के बाद बाड़मेर दौरा रद्द हो गया।